आई होप आपको ठीक है। आज का टॉपिक में लेके आया हूं AltoCaTen 2022 में जो लॉन्चिंग हुई उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ऑल मॉडल AltoCaTen और न्यू मॉडल AltoCaTen में क्या डिफरेंसेस है, क्या चेंजिंग की गई है, क्या लोगों को इस बार जो AltoCaTen आई लोगों को डिमांडिंग पूरी हुई कि नहीं हुई, इसी टॉपिक पे हम लोग बात करने में। वीडियो को लाख तो देखें, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। AltoCaTen जैसे आप पिक देख रहे हैं, जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसकी जो AltoCaTen में जो फ्रंट की जो लुक है ना बहुत बेहतरीन लुक पे दी गई है AltoCaTen। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसकी जो ऑल AltoCaTen की जो ग्रिल थी और न्यू AltoCaTen में जो ग्रिल है तो बहुत ज़्यादा चेंजिंग की गई है। AltoCaTen ग्रिल पे जो फ्रंट का जो लुक जो बनाया गया AltoCaTen में वो देखने लायक, वो बहुत ही ब्यूटीफुल लुक है, लोग इसे तो पसंद कर रहे हैं। AltoCaTen का जो न्यू लुक आया 2022 में लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। लेकिन AltoCaTen में आपको इस बार फॉग लाइन नहीं देखने को मिलेगा, तो लोग इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाले आपकी गाड़ियों पर, रोशनी आपको बेहतर मिलने वाली है पहले से भी ज़्यादा मोटर है AltoCaTen में। और AltoCaTen का जो लुक है, जो डिजाइनिंग बनाया गया बहुत ही बेहतरीन लुक कहते हैं। और एक बात मैं और बताना चाहूँ, लोगों की जो बहुत पहले से बहुत ज़्यादा डिमांडेड थी AltoCaTen की, लोग थोड़ी सी बड़ी आ जाए, लेकिन ये डिमांडेड को पूरी कर दी गई कंपनी ने। देखिए अल्टो लोगों के दिलों पे छाया हुआ है, लोग अभी भी अल्टो को ले रहे हैं, अल्टो को पसंद कर रहे हैं, लेकिन एक मन में एक आशंका रहती थी जब लेने जाते थे थोड़ी सी चोट लगती थी दिल में, छोटी है से रिजेक्टेड मिल जाती थी अल्टो को। लेकिन कंपनी ने लोगों की रिक्वायरमेंट और डिमांड को पूरी करते हुए AltoCaTen को थोड़ी सी बड़ी बना दी है। AltoCaTen के अगर मैं ऑल AltoCaTen के अगर हाइट की बात करूँ तो पहले आपको मिल रही थी 1460 mm, अभी की जो हाइट की बात करूँ आपको 1520 mm हाइट मिल रही है, लेकिन हाइट को बढ़ा दी गई है पहले से ज़्यादा, थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ा दी है, और इसी लोगों के डिमांडेड को पूरी कर दी। अब जो लोग AltoCaTen को रिजेक्टेड कर रहे थे छोटी कार, वो अब रिजेक्टेड बंद हो जाएगी AltoCaTen। अगर इसकी फ्रंट पे लुक देखा जाए तो बेहतरीन लुक में है, पहले से बहुत ज़्यादा चेंजिंग की गई है फ्रंट को। मैं अगर इसकी बूट स्पेस की बात करूँ तो अच्छी खासा आपको बूट स्पेस मिल जाएगी। थोड़ी सी इसकी अगर मैं टायर सेगमेंट की बात करूँ, थोड़ी सी उसमें भी आपको ऊँची मिल रही है। अगर मैं इसकी कलर की बात करूँ तो अच्छा खासा आपको कलर मिल जाएगी, 3-4 कलर में, एक रेड आ जा रही है, ब्लू आ जा रही है, और 2-3 कलर है। अगर मैं इसकी पीछे की लुक की बात करूँ तो आपको फ्रंट लुक जो है, टेल लैम्प की जो लुक है बहुत बेहतरीन डिजाइन में दी गई है, टेल लैम्प की जो लुक है बहुत बेहतरीन, इसकी बूट स्पेस भी आपको मिल रही है अच्छी खासी। तो देखा जाए चारों ओर तो से देखा जाए AltoCaTen जो 2022 में लॉन्चिंग की गई है बेहतर, पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है। लोग थोड़ी सी ऊँची मांग रहे थे, डिमांडेड थी, थोड़ी ऊँची भी कर दी। फ्रंट की जो लुक है बेहतर है, पीछे के फिर भी लुक है, टेल लैम्प वगैरह भी बहुत बेहतरीन दिए गए हैं। और अगर इंटीरियर की बात करूँ तो आपको इसमें एक टच स्क्रीन वाला एक LED मिल जाएगी। साउंडलेस की बात करूँ तो अच्छी खासी इसमें साउंड मिल रही है आपको, और इसमें बूट स्पेस भी अच्छी खासी मिल रही है। चारों ओर से देखा जाए ना, जो ऑल AltoCaTen था और न्यू AltoCaTen में चेंजिंग लाई गई है, और इसकी बहुत ज़्यादा डिमांडेड होने वाली है। लोगों की जो डिमांडेड थी पहले AltoCaTen स्मॉल थी, अब बड़ी हो चुकी है, और लोग इसे पहले रिजेक्ट कर रहे थे, अब मुझे नहीं लग रहा कि AltoCaTen को रिजेक्टेड मिलेगी। AltoCaTen पहले से थोड़ी सी बड़ी आ चुकी है, लोगों की डिमांड पूरी हो चुकी है, और अब लोगों को एक मन में देखिए AltoCaTen में एक बात बताऊँ, AltoCaTen लोग शुरू पहले से भी लोगों के दिलों पर राज करता था, अभी भी AltoCaTen दिलों पर राज करेगा, आगे भी AltoCaTen दिलों पर ही राज करेगा। लोगों की सबसे ज़्यादा डिमांडेड कार बिकने वाली AltoCaTen है मार्केट में। अगर मैं अपनी मार्केट की बात करूँ तो AltoCaTen सबसे ज़्यादा बिकती है मार्केट में, और AltoCaTen लोग खुश थे क्योंकि इसमें माइलेज कम है, माइलेज अच्छी खासे मिल जाते हैं, और एक छोटी गाड़ी है, और लोग बहुत ही बेहतर पसंद करते हैं AltoCaTen को। ज़्यादा टेंशन, ज़्यादा खर्च भी होते नहीं AltoCaTen में, सुजुकी की जो सामान मिल जाती है ऑल ओवर मिल जाती है, इंडिया मिल जाती है, तो लोग AltoCaTen को ही पसंद करते हैं, और अल्टो गाड़ी को लोग देखिए गांव और अर्बन एरिया में देखे हो, गांव देहात में देखो तो अल्टो गाड़ी लोगों को डिमांडेड होती है। अल्टो एक तरह से डिमांडेड गाड़ी है कंपनी के डिजाइन, पहले लोगों की डिमांडेड थी कि अल्टो थोड़ी सी छोटी है, अब कंपनी ने उसे बड़ी कर दी है। तो मुझे नहीं लग रहा AltoCaTen को किसी कारण से रिजेक्शन मिलेगी, AltoCaTen को पहले रिजेक्शन मिलती है, वो रिजेक्शन हट जाएगी अब और ज़्यादा तेज़ी से AltoCaTen, और आने वाला वक्त में और Alto को अपडेट किया जाएगा, AltoCaTen को अपडेट किया जाएगा। लेकिन अभी तो जो 2022 में लॉन्चिंग हुई तो बहुत अच्छी खासी लॉन्चिंग की गई है, जिसकी फ्रंट के लुक बहुत बेहतरीन चेंज की गई है, और बहुत अच्छी खासी लुक है। इसकी प्राइसिंग ज़्यादा आपको नहीं मिलेगी, जो पहले से थोड़ा सा बढ़ी है, देख लेना क्या प्राइसिंग में आ रही है, वो आपको मिल जाएगा। तो अगर लोगों की डिमांडेड पूरी हो गई, अगर वीडियो को मैं इतने ही ज़्यादा नहीं बढ़ा बनाऊंगा,
अल्टो कैटन अगर आपको पसंद है, अगर लेने का इरादा बना रहे हैं तो ले ले, कोई आपको इसमें दिक्कत नहीं होने वाली। और वीडियो को लास्ट तक अगर देखें, वीडियो अगर अच्छी लगे तो आपको लाइक कमेंट से सब्सक्राइब करें। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूंगा। ओके।